नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बुलंदशहर में स्कॉर्पियो और कंटेनर की भिड़ंत में 4 व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल। शादी समारोह से वापस घर लौट रहा था स्कॉर्पियो में परिवार। पंजाब के गुरदासपुर में प्रचार अभियान के दौरान बाल बाल बच्चे सनी देओल एक दूसरे से भिड़े वाहन। सीवान में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 6 की मौत, 12 से ज्यादा घायल। और मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली गहरी खाई में गिरी, 6 लोगों की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के गुरदासपुर में अभिनेता से नेता बने सनी देओल सोमवार को एक हादसे में बाल बाल बच गए। जब अमृतसर गुरदासपुर राष्ट्रीय मार्ग से गुजरते समय उनकी SUV का एक टायर फट गया। पुलिस ने बताया कि सनी देओल के काफिले में चल रहे कम से कम 4 वाहन एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। घटना के दौरान अभिनेता रोड शो के लिए जा रहे थे, इसके बाद वह एक अन्य वाहन में घटनास्थल से चले गए। 62 वर्षीय देओल गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल गठबंधन के उम्मीदवार है। इस सीट पर दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना 4 बार सांसद रहे थे। अप्रैल 2017 में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया था। बिहार के सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सोमवार को एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गोपालगंज से यात्रियों को लेकर सीवान आ रही एक बस सोमवार को अमलोरी के बीएड कॉलेज के पास अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक गड्ढे में जा पलट गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद बस का चालक फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों की अब तक पहचान नहीं हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देर रात एक सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। डिलारी थाना के प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि यह हादसा मुरादाबाद के नाखुनका गांव के समीप हुआ है। सभी लोग एक परिवार समारोह में वापस लौट रहे थे, तभी नाखुनका गांव से निकलते ही सड़क पर सामने से आ रहे ट्रक से बचने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर उसका एक पहिया निकल गया, जिसके कारण ट्रैक्टर ट्रॉली गहरी खाई में पलट गई और उसमें सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए लोग परिवार की बेटी के ससुराल के किसी समारोह से लौट रहे थे। हादसे में मारे गए 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं, जबकि एक महिला उनकी रिश्तेदार है। पेट्रोल और डीजल के दाम कटौती का सिलसिला लगातार 5वें दिन सोमवार को भी जारी रहा। तो वहीं डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 13 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 14 पैसे प्रति लीटर की कटौती देखी गई। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल इन 5 दिनों में 1.57 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। तो वहीं डीजल के दाम में दिल्ली के उपभोक्ताओं को इन 5 दिनों में 68 पैसे प्रति लीटर की राहत जरूर मिली है। शिमला के ब्रिटिश कालीन ग्रैंड होटल में सोमवार को आग लग गई है, जिससे होटल का एक हिस्सा जलकर राख हो गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हाल ही में रेनोवेट किया गया होटल का मायो ब्लॉक आग से पूरी तरह नष्ट हो गया है। शिमला के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि नजदीकी इमारत सुरक्षित है और आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। आग लगने के कारण का फिलहाल कोई पता नहीं चला है। प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर के पास स्कैंडल पॉइंट के करीब स्थित यह होटल ब्रिटिश काल में बनाया गया था। जालौर के रानीवाड़ा में गर्मी के मौसम को देखते हुए पक्षियों के लिए सेवाड़ा गांव में भूमिया राजपूत युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने शेणल माता मंदिर परिसर में परिंदे लगाए गए। समाजसेवी जय सिंह चौहान और रणजीत सिंह उमट ने बताया कि तेज धूप और लू की मार से पानी के अभाव में अकाल मौत शिकार हो रहे बेजुबान पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था के लिए कई सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे लगाए गए हैं। इस मौके पर रणजीत सिंह उमट, दीप सिंह उमट, जितेंद्र सिंह आदि कई समाज बंधु मौजूद रहे।
जयपुर के शाहपुरा थाना इलाके के शेरपुरा स्थित पहाड़ी की तलहटी में 28 अप्रैल को पेड़ से लटकी महिला की लाश मिलने के मामले ने अब तूड़ पकड़ लिया है। हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर शिथिलता का आरोप लगाया है। नाराज पीड़ित पक्ष के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण शाहपुरा थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि 22 अप्रैल को चतरपुरा निवासी महिला लापता हो गई थी, जिसकी लाश 28 अप्रैल को पहाड़ी की तलहटी में पेड़ से लटकी हुई मिली। इस मामले में परिजनों ने शाहपुरा पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाकर संदेहास्पद लोगों के नाम भी बताए थे। उन्होंने बताया कि घटना के करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और अभी तक मामले का खुलासा भी नहीं हुआ है और ना ही दोषियों की कोई गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए शाहपुरा पुलिस थाने के बाहर सड़क पर प्रदर्शन किया। नाराज धरनार्थियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इसके बाद धरनार्थियों का शिष्टमंडल SDM और DSP से मिला ज्ञापन देकर मामले का शीघ्र खुलासा करने की मांग की गई है। ग्राम पंचायत देवपुरा के ग्राम चतरपुरा में 20 तारीख को मखनी देवी लापता हुई थी। पुलिस थाना सापुरा में 22 तारीख को गुमसुदी की रिपोर्ट दी। 28 तारीख को शेरपुरा के जंगलों में उसकी डेड बॉडी लटकी हुई मिली। हम उसी की मांग में कि जो भी दोषी हो, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, आश्वासन दे रहा है रोजाना, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरा समाज, पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों आज एक साथ धरने पर बैठे हैं और हमारी यही मांग है कि कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार करो और मखनी देवी को न्याय दिलाओ या उनके परिजनों को, तभी न्याय मिले, तब उनकी जो उनको मर्डर हुआ वो गिरफ्तार हो, चाहे उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो। तो हमारी यही मांग है कि जब तक हथियारे गिरफ्तारी नहीं होगी हथियारों की, तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे और कोई अधिकारी नहीं है। अभी सुबह से बैठे हम यहाँ पे, कोई हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी कोई भी नहीं आया, नहीं कोई राजनेता आया। तो हमारी तो यही मांग है कि जब तक आपके माध्यम से। सिरोही जिले के आबू रोड में आज जम्मू से वेरावल जाने वाली ट्रेन जम्मू तवी में भारी मात्रा में विस्फोटक होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। ट्रेन में विस्फोटक होने की सूचना पर रेलवे पुलिस, GRP और शहर थाना पुलिस ने ट्रेन के आबू रोड पहुंचने पर संयुक्त रूप से ट्रेन की जांच की और ट्रेन में सब कुछ नहीं मिलने पर ट्रेन को रवाना कर दिया। जानकारी के अनुसार एक कॉल आबू रोड शहर थाना अधिकारी अनिल कुमार के पास आया कि जम्मू से वेरावल जाने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस के S4 डिब्बे में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री है, जिस पर शहर थाना अधिकारी ने इसकी सूचना GRP और RPF को दी। फोन अहमदाबाद GRP पुलिस से आया बताया जा रहा है, फिर एक कॉल RPF थाना अधिकारी प्रदीप कुमार के पास RPF कंट्रोल रूम अजमेर से आया। जम्मू तवी के S4 के सीट 65 और 66 पर कुछ संदिग्ध वस्तु है। ट्रेन में विस्फोटक होने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ट्रेन के आने से पूर्व ही RPF थानाधिकारी प्रदीप कुमार, शहर थानाधिकारी अनिल कुमार, GRP थानाधिकारी लादूराम मय जाप्ता स्टेशन पर पहुंचे। सूचना के आधार पर ट्रेन के S4 की सघन जांच की गई, यात्रियों के बैग की तलाशी ली गई। S4 में तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिलने पर ट्रेन के सभी डिब्बे तलाशे गए और उनकी सघन जांच की गई। जांच के दौरान कुछ नहीं मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली और ट्रेन को रवाना कर दिया। दिनांक 12/5/19 को वक्त करीब 10 बजे अहमदाबाद GRP से फोन आया था कि जम्मू तवी एक्सप्रेस जो जोधपुर से निकली है और आबू रोड आने वाली है, उसमें कोई संदिग्ध वस्तु, बारूद या ऐसी कोई सूचना मिली है जिसको चेक कराना, जिस पर सिटी थाना अनिल कुमार जी के पास भी फोन आया था और फिर RPF जब मैंने फोन कर पर बात की तो उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम से हमारे पास भी मैसेज आ गया है। तो फिर हमने रेलवे स्टेशन आबू रोड पर पहुँच करके GRP और RPF तथा सिटी थाना संयुक्त रूप से S4 की लती तो उसमें चेकिंग की गई, फिर जनरल कोच और ऐसी स्लीपर सब कोच को चेक किए, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उस खैरियत रही और ऐसी कोई नहीं मिली मात्र झूठी। आज सुबह मैसेज आया था अपने RPF कंट्रोल अजमेर से,
ये जो जमुदवी गाड़ी है 19224 उसके एच फोर कोच में सीट नंबर 65 व 67 पर कोई संदिग्ध व्यक्ति हैं और जिनके पास कुछ संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री है, तो इस सूचना पर मैं यहाँ थाने में हाजिर हुआ और फिर जीआरपी प्रभारी है लालूराम जी उनके उनको मैसेज किया गया और जो सिटी थाने के प्रभारी हैं अनिल जी बिश्नोई उनको भी मैसेज किया गया, तो वो भी थाने में हाजिर हुए और बाद में पूरे जाब्ते के साथ में इस गाड़ी को रेलवे स्टेशन नागपुर रोड पर चेक किया गया। तो इस गाड़ी के कोच नंबर S4 में जो सीट नंबर हमें बताई गई थी 65 और 67 उनको चेक किया गया, तो 67 पे तो जो यात्री था वो उतर चुका था अपने यहाँ पर थाना में और जो 65 उसमें कोई महिला यात्री कर रही थी यात्रा कर रही थी जो हनुमानगढ़ से जुड़ी थी। पूरा लगेज उनका चेक किया गया और जो सूचना हमें मिली थी जो उलिया और जो बैग का कलर हमको बताया गया था उसके आधार पर जीवन संघर्ष है और इसमें खुद ही पगडंडी थाम कर आगे बढ़ना होता है। कामयाबी जरूर मिलती है लेकिन इसके लिए एक कड़ी मेहनत के साथ ही लगन और खुद पर विश्वास भी होना जरूरी है। और बात जब बच्चों की आए तो संघर्ष करने वाली माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है। ऐसा ही कुछ प्रेरणादायक जीवन का फलसफा है झुंझुनू के चिड़ावा निवासी माया कंवर का। जी हाँ, माया के जीवन में कहानी दुख से शुरू हुई जिसमें बचपन में पिता का साया उठ गया। 14 साल की उम्र में शादी हुई लेकिन पति विदेश में शराब का आदी हो गया। चोट लगने के बाद से तो पति ने उसकी सुधबुद्धि ही भुला दी। बस यही से माया के जीवन में नया मोड़ आ गया। पति से दूर भादरा छोड़कर माया अपनी पीहर इस्माइलपुर आ गई और दो बेटे और एक बेटी को पालने की जिम्मेदारी अब सिर पर थी। यहां पर एक माँ को अपनी माँ का सपोर्ट मिला। माया सिलाई का काम करने लगी। इससे जमा रुपयों से माया साइकिल लेकर आई और राजपूत समाज की घूंघट प्रथा को 1997 में छोड़कर घर से बाहर साइकिल लेकर कदम रखा और दूध का व्यवसाय शुरू कर लिया। धीरे धीरे रुपए एकत्रित कर माया ने चिड़ाओ में मकान बनाया। यहाँ काका ने उनकी मदद की, बच्चों की उच्च शिक्षा करवाई। आज माया का बड़ा बेटा संजय सिंह जयपुर में कपड़े की फैक्ट्री में मैनेजर है। बेटी की ग्रेजुएशन के बाद शादी कर दी गई है और छोटे बेटे ने भी हाल ही में ग्रेजुएशन की है। माया अभी भी थकी नहीं, जिंदगी में संघर्ष के आगे जीत का फलसफा लिए। माया सिटी केबल नेटवर्क में नए कनेक्शन और कनेक्शन का काम करती है और इन सब में आज भी माया की साथी है उनकी साइकिल। माया के इस संघर्षमय जीवन को हमारा सलाम है और सत्यमेव इस माया को तहे दिल से सलाम करता है। जी कहानी तो मेरी मतलब वैसे अच्छे परिवार में मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति वैसे थे विदेश रहते थे और उसके बाद वो वहाँ से आए तो उसका वहाँ पर ही कोई एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से मुझे ये संघर्ष करना पड़ा। ससुराल में बाहर निकलने रहे थे, यहाँ पियूर में माँ के पास आके मेरे 3 बच्चे हो गए थे, छोटी उम्र में शादी हो गई थी, इसीलिए बच्चों का पालन पोषण किया। कुछ सोच समझ के ये रिश्ते मैंने सारे कायम रखे, कोई कुछ भी कहता रहे उसको हंस के जवाब दिया। थोड़ी बहुत मतलब जैसे सिलाई विलाई की आती थी बचपन में, सीखी थी बहुत, उससे थोड़ा पालन पोषण किया, उससे नहीं चला तो सबको देखा था कि मैंने स्टार्टिंग में जैसे दूध घर में मेरे को चाय के लिए बच्चों के लिए चाहिए तो वो मिला नहीं, यहाँ पे नहीं मिला, तो मैंने सोचा अपने दूध का धंधा कर ले, कौन अपने को देगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने गांव से अपने पियर से 2 लोगों से बात की तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि चलो अपनी भाण बेटी यदि पैसे नहीं भी देगी तो कोई दिक्कत नहीं, 1 हफ्ते इनको देखे। उन्होंने मेरे ऊपर 1 हफ्ते विश्वास किया और मुझे 10 दिन तक उन्होंने दूध दिया 2 लोगों ने, जिसके है एक है वो बिल्लू सिंह जी शेखा, तो उनसे उनकी वाइफ ने मेरे ऊपर विश्वास किया। एक है मतलब भूतपूर्व के सर वो है वार्ड फंड पर लादूराम नेगवाड़, उन्होंने 2 लोगों ने मेरे पर विश्वास किया और उन्होंने मिलती थी 8 किलो दूध से मैंने ये काम स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 चलता गया, फिर बढ़ता गया साथ में और क्या मैंने, लेकिन 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जो भी मुझे 4 घंटा मैं सोई और 24 घंटे 20 घंटे मैंने काम किया, मिल गया चाहे रात की 2 बजे किसी का ले लिया तो मैंने पूरा किया। मैं पसारी फाउंडेशन से हूँ
और माया जी हमारे प्रसारी फाउंडेशन की एक आयरन लेडी के रूप में इनको हम जानते हैं। इन्होंने विगत 20 सालों से भी ज्यादा समय से इन्होंने अपने जीवन में संघर्षपूर्ण वातावरण को निर्वाह किया और अपने बच्चों व परिवार के लिए, मकान निर्माण के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना तन मन पूर्ण रूप से नौछावर किया और आज इनके बच्चे सक्सेसफुल हैं और वो आज भी परिवार के लिए जीती हैं, आज भी संघर्षशील हैं। निश्चित रूप से हमारे महिला सशक्तिकरण की एक आयरन लेडी के रूप में हम इनको जानते हैं, हम इनको सैल्यूट करते हैं। और महिला सशक्तिकरण जैसे अनेकों अनेक कार्यक्रमों पर ये हमें आशीर्वाद स्वरूप हमारे कार्यक्रमों में आती हैं और विगत 15 सालों से हमारे संस्थागत जो स्वयं सहायता समूह है जैसे महिला सशक्तिकरण के जो भी कार्यक्रम है उनमें इनकी सहभागिता रहती है, मार्गदर्शन रहता है, सुझाव रहता है और हमें इनसे नित्य दिन नया कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं इनको एक सक्सेसफुल लेडी के रूप में जानता हूँ और निश्चित रूप से हमें इनका प्रेरणा स्रोत आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे महिला सशक्तिकरण के अनेकों अनेक कार्यक्रम में उनकी सक्रिय सहभागिता रहती है, मार्गदर्शन करती हैं, सुझाव करती हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से शहरों और गांवों में नियमित जलापूर्ति करने का दावा किया जा रहा है। रोहट क्षेत्र के कई गांवों में जल संकट को देखते हुए टैंकर भी चलाई गई, लेकिन हकीकत यह है कि कई गांवों में जलापूर्ति नहीं हो रही। ग्रामीण परंपरागत जल स्रोतों से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर है। ऐसे ही हालात रोहट उपखंड क्षेत्र के राणा ग्राम पंचायत मुख्यालय का है। दूदाराम जी पटेल ने बताया कि एवन कान सिंह राणावत को कई बार समस्या से अवगत करवाया गया लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। इस गांव में पिछले 2 माह से जलापूर्ति नहीं की जा रही, इस कारण मजबूरी से ग्रामीण कुएं में पानी ला रहे हैं जो फ्लोराइड युक्त है। इस पानी को पीने के ग्रामीण बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान करने के लिए विभाग या अन्य जिम्मेदार आगे नहीं आ रहे। ग्रामीणों के अनुसार गांव में उच्च जलाशय का निर्माण कराने के बाद घर घर पानी के कनेक्शन दिए गए। इसके बाद 15 दिन में एक बार जलापूर्ति की जाने लगी जो अभी 2 माह से बंद है। गांव में बने GLR में 1 साल से पानी नहीं दिया जा रहा, इस कारण ग्रामीणों को मजबूरी में कुएं का फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। इससे पेट दर्द के साथ साथ अन्य बीमारियों से ग्रामीण ग्रसित हो रहे हैं। नाम क्या आपका? बाबूलाल। क्या समस्या पानी की? पानी की हो गया सर, 7 महीना हो गया, पानी आवे को नहीं बिल्कुल ही, और वेरियो पानी पिए पे खारो पानी है जन, बोलने थोड़ा बहुत वेरियो पानी है तो वे टंकर वाला ले जाए, बहुत प्यासा मरे, द्रा भी प्यासा मरे, मैं भी प्यासा मरो, पानी की पूरी समस्या है। मोटी टंकी बनाई है, भिजवा देकर वास्ते बनाई है कि यूँ नहीं है कि मतलब पानी छोड़ दो, कोई पानी नहीं है सर, और लोगों ने कोई आवे 5 मिनट 10 मिनट पानी तो आवे आव तो करी बीजू पानी मतलब 10 मिनट पानी पासा बंद सर, और ऊंचा ऊंचा नल लागोड़ा है पानी आवे को नहीं बिल्कुल ही सर, मोर तो पूरी समस्या है और पानी री वास्ते और जो सरकार पानी भेजे तो मोरी जीवन बढ़े और मैं सुख शांति जीवो, पानी रे में बहुत समस्या है सर। जो आप मेरा नाम ज्योताराम देवासी है, जो राणा ग्राम पंचायत के अंदर PSED जो सबसे बड़ी टंकी बनी हुई है उस टंकी में पानी आके लगभग 8-9 महीना हो गए हैं। लोगों को कनेक्शन में एक बूंद भी अभी तक पानी नहीं आया है। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तभी 1-2 बार पानी आया था, लोगों को मजबूर होकर जो तालाब के अंदर जो खारी बेरी है उस बेरियों का पानी पीना पड़ता है। बेरियों का पानी पीने से कई लोगों को बीमारी हो रही है जैसे पेट दर्द। ऐसी बुलंदशहर अहमदगढ़ स्कॉर्पियो और कंटेनर की भिड़ंत में स्कॉर्पियो सवार 2 महिला और 2 पुरुषों की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है और मौके पर पहुंची पुलिस है। एम्बुलेंस ने घायलों को शिकारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूप सिंह, अजय सिंह, हेमलता, निधि पुत्री रूप सिंह निवासी घोड़ा बछेड़ी जिला गौतम बुद्ध नगर डिबाई तहसील क्षेत्र के गांव दानंदगढ़ से शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी अहमदगढ़ गैस एजेंसी के सामने स्कॉर्पियो और कंटेनर की आपस में भिड़ंत हो गई जिसमें कार सवार 4 घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टरों ने घायल सभी लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।